इंडिया चाइना बॉर्डर पर जो टेंशन हैं, जो बिल्डअप हो रहा है, उस पर प्रारंभिक कमेंट्स, जो पहले कमेंट्स आपके आपकी टिप्पणी पहले वो जानना चाहते हैं। देखिए, जो अभी हो रहा है और खासकर जो गलवान वैली में और पंगंग सो के एरिया में जो इंट्रूजन हो रहा है चाइनीज की तरफ से, पीएलए की तरफ से, मैं समझता हूँ कि उसकी दो वजह हो सकती है। हमको जब उसको एग्जामिन करना है तो पहले तो इसको एग्जामिन करना चाहिए कि उस जगह पर क्यों हो रहा है, और दूसरी उसकी वजह ये भी हमको देखनी चाहिए साथ में कि इस समय क्यों हो रहा है। मैं समझता हूँ कि ये दोनों जो बातें हैं मिली हुई हैं। तो पहले अगर आप चाहें तो मैं इस जगह पर क्यों हो रहा है उसके ऊपर अपनी टिप्पणी दूंगा। जरूर जरूर जी। पहली तो ये है कि इसमें कोई शक नहीं है कि हम लोग जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है एलएसी के एरिया में, उसको हम इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं पिछले कई सालों से। और अभी रिसेंटली जो वहाँ पर एक श्योक रिवर के ऊपर ब्रिज बनाया था आर्मी इंजीनियर्स ने, उसकी इनॉग्रेशन भी की थी हमारे रक्षा मंत्री ने। और ये जो एरिया है, इसमें कोई शक नहीं है कि चाइनीज भी कभी कभी उसको अपना दिखाते हैं, अपना मानते हैं। तो ये एरिया हमारे लिए बहुत जरूरी है क्योंकि हमको इस रास्ते से फ्रॉम डुरबक फ्रॉम श्योक टू डेरा टू दौलत बेग ओल्डी, और फिर यही रास्ता आगे कराकोरम पास तक जाता है। तो जी ये काफी सालों से बन रहा है, ये नया रास्ता नहीं है। दूसरी बात यहाँ पर ये भी है क्योंकि चाइनीज की कई जगह पर खासकर कोशिश रही है कि वो क्रीपिंग जो मिलिट्री एक्टिविटीज हैं उस एरिया में, जो वो अपना मानते हैं और जो हम समझते हैं कि वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता उसको ऑक्यूपाई करने की कोशिश करते हैं। और पहले भी ये कोशिशें हो चुकी हैं, और तो इसके साथ में ये भी मैं समझता हूँ कि उनकी ये भी वजह है। जी और तीसरी वजह मैं समझता हूँ कि जब हमने जम्मू एंड कश्मीर में अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल तब्दीली की थी और हमने आर्टिकल 35A जो लगाया था, तो उस वक्त चाइना ने खास बोला था कि ये हमको, ये उनको एक्सेप्टेबल नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये तीन वजह हो सकती हैं। पहली कि वो नहीं चाहते हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करें इस एरिया में। दूसरा, वो उस डिस्प्यूटेड एरिया को ऑक्यूपाई करना चाहते हैं जैसे उन्होंने पहले भी बहुत कोशिशें की हैं। और तीसरा हो सकता है कि ये JNK टेरिटरी के साथ में भी ये जगह या पांगंग सो या डेप्सांग वगैरह जितने भी हैं उसका भी वजह हो सकती है। जी जनरल मलिक, मैं कह रहा था कि भारत के लेवल पर अगर हम बात करें तो चाइना जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर COVID-19 के बाद से थोड़ा बैकफुट पर लग रहा है, और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में भी चाइना का खासा क्रिटिसिज्म हुआ है। और अभी जो पिछले 1-1.5 महीने पहले चाइनीज इन्वेस्टमेंट कंपनीज इंडिया में आने की कोशिश कर रहे थे, इंडिया ने FDI नॉर्म्स को थोड़ा और स्ट्रिक्ट किया, क्या आपको लगता है कि वो भी एक फैक्टर हो सकता है इस तरह के एक नए किस्म के स्ट्रेटेजिक मूव में, जिसमें जो चीजें हैं वो थोड़ी फैली हुई हैं और थोड़ी सी ज्यादा अनप्रेसिडेंटेड है? आपकी बात सही है। इसको मैं समझता हूँ कि हमको देखना चाहिए कि चाइना के इंटरनल डायनेमिक्स क्या हो रहे हैं, खासकर प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के लिए, खुद के लिए। और दूसरा, उन्होंने जो उनको क्रिटिसिज्म हो रहा है उनका पूरे दुनिया में, तो उसका उस तरह कैसा उनका रिएक्शन रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को शायद लगता है कि उनका जो चाइना ड्रीम है COVID-19 की वजह से शायद हो नहीं पाएगा, क्योंकि उन्होंने बोला है कि जितने भी बाहर के एरियाज जो वो क्लेम करते हैं, चाइना क्लेम करता है, तो उनको वो जल्दी ही वापस ले लेंगे। और वो ऐसा लगता नहीं है, बल्कि उसके बजाय
अभी चाइना के ऊपर बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा है, तो आप देखेंगे कि उस क्रिटिसिज्म को मुकाबला करने के लिए उनकी नॉन सिर्फ इंफॉर्मेशन वॉर की एक्टिविटी ज्यादा हो रही हैं और उनकी जो मिलिट्री एक्टिविटीज भी जो हैं वो भी ज्यादा वो कर रहे हैं। तो आपकी बात सही है, ये इंटरनेशनल जो डायनामिक्स चल रही हैं खासकर चाइना के रिलेशंस बाकी कंट्रीज के साथ में, ये भी एक बड़ी वजह है। एक और सवाल जनरल मलिक, जो कई लोग इस पर बात भी कर रहे हैं और जो निकल कर आ रहे हैं, क्या ये भी ऑल्सो ये मुमकिन है कि पिछले कुछ सालों में इंडिया ने अपने बॉर्डर्स पर इंडियन कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक जो बॉर्डर पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज शुरू कर रखी हैं, क्या वो भी थोड़ा सा एक फैक्टर हो सकता है क्या इंक्रीज्ड हॉस्टिलिटी बॉर्डर्स पर नेबर्स को लेकर? देखिए नितिन, ये जो डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर की एक्टिविटीज भारत कर रहा है वो कोई नई बात नहीं है, वो तो बल्कि 2000 से हमने ये सोच के रखा था और 2012 के बाद में वो एक्टिविटी ग्राउंड के ऊपर होनी शुरू हो गई थी। तो ये जो एक्टिविटीज हैं वो नई बात नहीं है, कई सालों से रोड बन रहे हैं, कई सालों से वहां पर ब्रिजेस भी बन रही हैं, और ये जो ब्रिज जिसके बारे में हम बता रहे थे श्योक रिवर के ऊपर, वो तो लास्ट ईयर कंप्लीट भी हो गई है। तो हाँ, ये बात उनको खटकेगी इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये सिर्फ वजह नहीं हो सकती। चाइना जब भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं तो इंडिया चाइना में देखा गया है कि बॉर्डर्स पर इश्यूज फ्लेयर अप होते हैं। डोकलाम में हुआ, फेस टू फेस आर्मी सामने आ गई, उसके बाद एक तरह से ईज डाउन ऑफ टेंशन हुआ, अब फिर से ऐसा हुआ। पहले इंडियन आर्मी चीफ ने कहा कि नहीं, इतना बड़ा मामला नहीं है, बाद में फिर वो एक के बाद दूसरी जगह और दूसरी जगह एलएसी से लेकर लद्दाख से लेकर फिर वो सिक्किम के पास तक पहुंच गया। तो क्या इंडियन आर्मी थोड़ा सा वो स्कॉट अनअवेयर्स, उसको एक्सपेक्टेड नहीं था कि ऐसा इतना बड़ा फ्लेयर अप हो सकता है चाइनीज साइड से कोरोना पैंडेमिक के बीचों बीच? जहां पर भी कोई झगड़ा ऐसा होता है तो बॉर्डर एरिया में दोनों ऑफिसर्स आर्मी के, चाइना आर्मी के पीएलए के और भारत के भी मिलते रहते हैं, तो ये ऐसी बात नहीं है कि ये बातें होती नहीं है, होती रही हैं, लेकिन इस समय जो इस बार हुआ है वो टेक्टिकल लेवल के ऊपर मैं समझता हूँ नहीं हुआ है, ये स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर हुआ है बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल, जैसे हमने डिस्कस किया पहले उस वजह से, और हो सकता है कि यहाँ पर भी उन्होंने फैसला किया हो पीएलए ने अग्रेसिवनेस पूरे बॉर्डर के ऊपर दिखाने के लिए। तो ये नहीं मैं समझता कि हमने कोई उनको कंसीड किया है, कोई ऐसी सरप्राइज की भी बात नहीं है, क्योंकि हम लोग, हमारी फौजें वहाँ पर तैयार हैं, अभी भी हमारी फौज जो है वहाँ पर उनका मुकाबला करने के लिए जगह जगह के ऊपर जहाँ पर ये ट्रांसग्रेशन हो चुके हैं या हो रहे हैं वहां पर तैयार हैं। जी, तो एक आखिरी सवाल जनरल मलिक, आप क्या देखते हैं इस तरह की सिचुएशंस जो होती हैं, इस तरह के सिनेरियोस जो एकदम से एकाएक निकल कर आते हैं, इनका आखिरकार क्या सलूशन देखते हैं आप, और क्या आपको लगता है कि ये जो सिचुएशन है ये थोड़ी सी डिफरेंट है अभी तक पहले से, और ये थोड़ा सा क्या खिंच सकती है, क्या ये खतरा है क्या दोनों मुल्कों के सामने? देखिए इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि ये सिचुएशन पहले जो ऐसी हरकतें हुई हैं उनसे डिफरेंट है, क्योंकि एक ही समय में इतनी जगह के ऊपर ऐसी एक्टिविटीज होना, तो उस लिहाज से ये थोड़ा फर्क है, इसमें कोई शक नहीं है। और अभी जो है मिलिट्री लेवल के ऊपर मुझे लगता है कि ये चीजें अभी फेल हो चुकी हैं, तो अभी जहां जहां पर कन्फ्रंटेशन है, चाहे वो इस गलवान वैली में हो या पंगंगसो के एरिया में हो, तो ये मेरा ख्याल में अभी काफी लंबी चलेगी, और इसका भी शायद जो सलूशन है वो डिप्लोमेटिक लेवल या पॉलिटिकल लेवल के ऊपर होगा। और तब तक जैसे हम देख रहे हैं दोनों तरफ से फौजें जो हैं वो अलर्ट रहेंगी, और ऐसा ही होना पड़ेगा। सबसे बड़ी वजह हमको, मुझे ये लगता है कि जितने भी अभी हमने एग्रीमेंट साइन किए हैं पीस और ट्रैंक्विलिटी ऑन द बॉर्डर के ऊपर, चाइना उन चीजों को अनदेखी करता जा रहा है,
जैसे जैसे मैंने पिछले कई सालों में देखा है कि जो भी एग्रीमेंट हो रहे हैं उसकी अनदेखी कर रहा है और उसको वायलेट कर रहा है। क्यों कर रहा है, ये तो स्ट्रेटेजिक रीजन हम लोगों को देखना चाहिए और अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देख भी रही होगी। और दूसरी बात ये है कि मैं अभी तक उनको हमेशा हार ही हुई है, कोई ऐसे कन्फेडरेशन जहाँ जहाँ पर हुई हैं, चाहे वो डोकलम एरिया में थी या डेपसांग एरिया में थी, तो उनको वापस जाना पड़ा है। और पर फिर भी वो कर रहे हैं तो उसका कोई पॉलिटिकल रीजन ही हो सकता है।